नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं 2022 में आई हुई गोस्ट राइडर सीरीज का एपिसोड 5। तो यार, अब तक आपने देखा कि जॉनी ब्लेस और गोस्ट राइडर निकल पड़े हैं मॉन्स्टर को पनिश करने, लेकिन इस बार राइडर के साथ कुछ अजीब हो रहा है, क्योंकि राइडर का अब स्पिरिट ऑफ वेंजेंस पर कोई कंट्रोल नहीं है। बात इतनी ही नहीं है, बल्कि कुछ और भी है। एक एंटिटी है जॉनी के अंदर, जो जॉनी को अंदर से पॉइजनिंग कर रही है। तो वही एजेंट वॉररोड और हॉरिस व्हीलर सुपरनेचुरल एक्टिविटी को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जहां एजेंट वॉररोड को जेब नाम का मैजिशियन मिलता है। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने की। इशू की शुरुआत में हम जॉनी ब्लेस को देखते हैं, जो घोस्ट राइडर के कहने पर हेल बैकबोन रेस में आता है। तभी जॉनी कहता है कि राइडर ने मुझे कहा था कि यहाँ आ जाओ, ताकि मैं यहाँ राइड करूँ या फिर मर जाओ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर राइड करने के लिए बहुत सारे हीरोज और विलन्स आए थे। लेकिन तभी जॉनी ब्लेस के दिमाग में फिर से दर्द होने लगता है। तभी जॉनी ब्लेस कहता है कि हेल बैकबोन रेस कोई आम रेस नहीं है, ये रेस सबसे खतरनाक रेस मानी जाती है। कहा जाता है कि ये रेस नहीं, वोर्टेक्स है। फिर संक्षिप्त होती है और हम गैरेज देखते हैं, जहां पर एजेंट वॉररोड ने जैप को पकड़ा था। और तब एजेंट वॉररोड सैप से कहती है कि तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? क्या तुम मुझे घोस्ट राइडर को पकड़ने नहीं दे रहे हो? क्या तुम घोस्ट राइडर के साथ काम कर रहे हो? जिस पर जैप एजेंट वॉररोड से कहता है कि जैप सिर्फ जैप के लिए काम करता है, मैं राइडर के लिए काम नहीं करता हूँ, और ना ही मैं राइडर के खिलाफ हूँ, मैं तो सिर्फ बैलेंस बनाना चाहता हूँ। जिस पर एजेंट वॉररोड जैप से पूछती है कि तुम किस तरह का बैलेंस करना चाहते हो? जिस पर जैप वॉररोड से कहता है कि मैं तो सिर्फ लाइट और शैडो के बीच बैलेंस करना चाहता हूँ। लेकिन तभी वहाँ कांच तोड़कर बहुत सारे रेवन्स आ जाते हैं और वॉररोड पे अटैक कर देते हैं। तभी जैप वॉररोड से कहता है कि तुम गलत मैजिशियन से पंगा ले रहे हो, और साथ ही तुम गलत रास्ते पे हो। ये कहते ही जैप खुद को आजाद करके एजेंट वॉररोड के पास आने लगता है। लेकिन तभी एक डीमन हॉरिस व्हीलर को पोजेस करता है और जैप को एक रॉड से मारता है, जिसके कारण जैप नीचे गिर जाता है। तो वही एजेंट वॉररोड खुद को संभालकर उठने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो डीमन एजेंट वॉररोड पे अटैक करता है और उसे भी बेहोश कर देता है। और वॉररोड से कहता है कि मेरे अंदर ऐसा बहुत कुछ है जो तुमने अब तक नहीं देखा है। यहाँ जॉनी ब्लेस अब बिना घोस्ट राइडर के हेल बैकबोन रेस में आ जाता है। तभी जॉनी ब्लेस कहता है कि हम सब यहाँ एक ही कारण से है, और वो कारण है सूर्यास्त से पहले रेस करना। ये कहते ही हम देखते हैं कि जॉनी ब्लेस के साथ रेस करने के लिए ब्लेड, ड्रैकुला, राइनो, मैनथिंग, डॉक्टर डूम, वुल्वरिन, टास्कमास्टर और भी कई सारे हीरोज और विलन्स थे। तभी जॉनी ब्लेस सामने के पहाड़ की चोटी पर देखता है, और तब हमें वहां पर एक अजीब सा शख्स दिखाई देता है। तभी जॉनी ब्लेस कहता है कि ये रेस ने हम सबको यहाँ बुलाया है, और जीतने वाले को एक खास इनाम मिलेगा, और वो इनाम है खुद डेविल से बात करने का और उससे एक विश मांगने का। तभी रेस स्टार्ट हो जाती है और सारे लोग एक दूसरे को गिराकर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन जॉनी ब्लेस उन सबको पीछे छोड़कर आगे बढ़ने लगता है। तभी जॉनी ब्लेस कहता है कि यहाँ ब्लैक विडो ने इस रेस में हिस्सा लिया है, और अगर वो जीत गई तो वो खुद के किए हुए गुनाहों की माफी मांगेगी। तो वही मून नाइट यहाँ जीतने नहीं आया है, बल्कि वो तो हम सबको जीतने से रोकने आया है। ये खेल के बाद इनाम मिले या ना मिले, लेकिन मैं जानता हूँ कि हेल के वादे कभी भरोसे के लायक नहीं होते हैं। अगर मैं जीता तो मैं कोई विश नहीं मांगूंगा, बल्कि मैं तो अपने सवालों के जवाब मांगूंगा। तभी हम देखते हैं कि सारे लोग एक दूसरे को गिराकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो वही जॉनी ब्लेस खुद को बचाते हुए आगे बढ़ता है। अब जॉनी बाइक चलाते हुए वुल्वरिन तक पहुंच जाता है। तभी जॉनी ब्लेस वुल्वरिन के पास आने लगता है, और तब जॉनी ब्लेस कहता है कि मैं इनमें से बहुत से लोगों को नहीं जानता हूँ, पर कुछ को जानता हूँ। लेकिन तभी वुल्वरिन जॉनी ब्लेस को देख लेता है। तभी जॉनी बाइक की स्पीड बढ़ाता है और वुल्वरिन से आगे चला जाता है। लेकिन तभी रास्ते में कुछ डेमोनिक क्रीचर्स आने लगते हैं। तभी वो क्रीचर्स जॉनी पर अटैक कर देते हैं, लेकिन जॉनी अपनी बाइक तेज भगाकर जाने लगता है। तभी जॉनी सामने देखता है कि दो बाइकर्स गिरे हुए थे, इसलिए जॉनी उनके बाजू से अपनी बाइक निकालता है। लेकिन वो डेमोनिक क्रीचर्स अब भी जॉनी के पीछे थे, और वो क्रीचर्स उन बाइकर्स को निगल लेते हैं। तभी जॉनी देखता है कि वहां पर अब मेगा रैंप आ चुका था, और उसे अब वो पार करना है।
और तब आधे से ज्यादा बाइकर्स उस रैम को पार करते हुए गिरने लगते हैं क्योंकि वहां पर डिमोनिक क्रिएचर्स ने अटैक किया था। लेकिन उनमें से भी जॉनी बचकर बाहर निकल जाता है। लेकिन तभी पीछे से एक बाइकर आके जॉनी पर अटैक करता है, लेकिन जॉनी उससे बचकर अपनी बाइक तेज भगाता है। लेकिन तभी उस बाइकर की बुलेट जॉनी के बाइक के टायर पर लग जाती है, जिसके कारण जॉनी बाइक के समेत नीचे गिर जाता है। अब नीचे गिरने के कारण जॉनी को काफी चोट लगी थी, लेकिन तभी जॉनी के सर के पीछे का दर्द बढ़ जाता है क्योंकि उसके सर के पीछे जो टाके लगे थे वो खुल गए थे और उसमें से एक क्रीचर बाहर आने लगता है। लेकिन तभी वो बाइकर वहां आ जाता है और जॉनी पर गोली चलाने वाला ही था कि तभी पीछे से वुल्वरीन आकर उस बाइकर को मार डालता है और तेजी से जॉनी की ओर बढ़ने लगता है क्योंकि वो क्रीचर जॉनी के सर से निकलकर जॉनी का गला दबाने लगता है, जिसके कारण जॉनी को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। तभी वुल्वरीन वहां आता है और जॉनी को तुरंत अपने बाइक पर बिठाता है और बाइक तेजी से भगाने लगता है। तभी वुल्वरीन जॉनी से पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन जॉनी उसे कुछ भी नहीं बताता है क्योंकि वो बोलने की हालत में नहीं था। लेकिन फिर भी जॉनी अपनी बची हुई ताकत लगाकर वुल्वरीन से कहता है कि तुम्हें ये रास्ता बंद करना होगा। और तब वुल्वरीन सामने एक टनल देखता है जिसके सामने वो डीमंस आ चुके थे और वो डीमंस उस टनल को बंद करके रखते हैं। तभी वुल्वरीन अपनी बाइक तेजी से भगाता है और जॉनी से कहता है कि पकड़े रहना क्योंकि मैं इस बाइक को उस टनल में फेंक कर ब्लास्ट करने वाला हूँ। यह कहते ही वुल्वरीन अपनी बाइक उस टनल में फेंक देता है, जिसके कारण अब वुल्वरीन और जॉनी गिर चुके थे। तभी वो बाइक उस टनल के अंदर जाती है जहाँ पर वो डीमंस थे और अंदर जाते ही उस बाइक में आग लग जाती है और वो बाइक फट जाती है, जिसके कारण वहां पर बड़ा धमाका हो जाता है और वो टनल बंद हो जाता है। तब ये देखकर वुल्वरीन जॉनी से कहता है कि काम हो गया है, अब चलते हैं। लेकिन तभी वुल्वरीन देखता है कि उन क्रीचर्स ने जॉनी को पकड़ लिया था और वो क्रीचर्स जॉनी को अपने अंदर लेने लगते हैं। तभी हमें वो अनजान शख्स दिखाई देता है जो पहाड़ की चोटी पर था और तब वो शख्स कहता है कि मैंने तुम्हें अच्छी लाइफ दी थी, लेकिन तुमने हिंसा के लिए उसे ठुकरा दिया। लेकिन अगर तुम हमें ज्वाइन नहीं करने वाले हो हमारे शैडो कंट्री के लिए, तो फिर मैं यानी कि ब्लैक हार्ट तुम्हें खत्म करने आ रहा हूँ, जॉनी ब्लेस, और तुम्हें भी घोस्ट राइडर। ये कहते ही हम देखते हैं कि वो शख्स असल में मेफिस्टो का बेटा ब्लैक हार्ट है। और इसी के साथ ये इशू यही कंटिन्यू हो जाता है।